हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के वीडियो में मैं शेयर कर रही हूँ एक वेजिटेबल क्लेयर सूप, और जिसके लिए आपको चाहिए पालक। और मैं पालक को अच्छी तरह से फाइनली चॉप कर लूँगी, और मैंने ली है 1.5 कप पालक। अभी एक्चुअली मैं सूप बना रही हूँ कम से कम 3 लोगों के लिए, तो आप उसके हिसाब से अपना इंग्रेडिएंट्स को ले सकते हैं। तो उसके लिए पालक चाहिए। अब मैं गाजर को फाइनली चॉप कर रही हूँ। गाजर को भी अच्छी तरह से चॉप करके, आप जो मैंने एक बाउल में एटलीस्ट 4 or 5 कप्स वाटर डाल दिया है, उसके पीछे मैंने गाजर ऐड कर दी है। आप उसमें पत्ता गोभी भी डाल सकते हैं, पत्ता गोभी से सूप काफ़ी टेस्टी बनता है। तो मैं पत्ते गोभी को भी अच्छी तरह से फाइनली चॉप करके अपने सूप में ऐड करूँगी। उसके साथ साथ मैंने लिया है शिमला मिर्च। शिमला मिर्च से भी काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। वैसे तो मैं ज़्यादा शिमला मिर्च यूज़ नहीं करती, मैंने बस एक थोड़ा सा पोर्शन लिया है शिमला मिर्च का, तो उससे भी सूप का टेस्ट अच्छा आता है। क्योंकि कुछ लोग हैं जो वेजिटेबल सूप को इतना पसंद नहीं करते हैं, उतना टेस्टी नहीं लगता उनको, बट अगर आप सूप के अंदर शिमला मिर्च डालेंगे, लहसुन के गार्लिक्स डालेंगे 2, और कड़ी लीव्स डालेंगे 2 से 3, तो मैंने वो सब ऐड कर ली है। अभी मैंने कुछ बीन्स भी ले ली हैं, 6-7 बीन्स, क्योंकि वो भी हेल्दी होती हैं, तो मैंने उनको भी काट के अपने सूप में ऐड कर दिया है। अब मैं अच्छी तरह से इसको हिला लूँगी, और कवर करने से पहले मैंने इसमें थोड़ा सारा मैं इसमें सॉल्ट भी ऐड कर लूँगी, क्योंकि पहले सॉल्ट ऐड करने से थोड़ा का टेस्ट आ जाता है। आधे घंटे के बाद हम चेक कर लेंगे कि हमारी सब्ज़ियाँ गली कि नहीं गली। अगर हमारी सब्ज़ियाँ अच्छी तरह से गल गई हैं तो हम उसको स्टेन कर लेंगे। हम सूप का वाटर अलग रख लेंगे, और उसकी जो वेजिटेबल्स हैं वो अलग रख लेंगे। अब हम हमारी वेजिटेबल्स को अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। एक्चुअली हमारी वेजिटेबल्स काफ़ी अच्छी तरह से गल चुकी हैं, तो मैं इसको स्पून के साथ मैश कर लूँगी। आप मैशर के साथ भी मैश कर सकते हैं। तो देखिए, हमारी सब्ज़ियाँ बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी हैं। अब मैं इसको सूप में ऐड कर दूँगी। जितना भी मेरा सूप का वाटर है वो उसमें डाल दूँगी, और मेरा सूप तैयार हो जाएगा। लेट्स सी, क्लियर क्रिस्टल सूप। ये सूप बहुत हेल्दी होता है, ना ही मैंने इसमें ऑयल का इस्तेमाल किया है, ना ही मैंने कोई तड़का लगाया है। फाइनली आप इसमें ब्लैक पेपर और लेमन डाल के लेंगे तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगेगा, बहुत टेस्टी लगेगा। प्लीज़ ट्राई कीजिए इस सूप को, बिकॉज दिस सूप इज़ वेरी हेल्दी फॉर एवरीवन। और आपको पता है कि आपको हमारे चैनल को क्या करना है। अगर आपको हमारी सूप की रेसिपी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है और सब्सक्राइब करना है। बाय बाय।